वक्त आ चुका है दोस्तों एक आंख वाला ट्रूप इस्तेमाल करने का, वो भी हमारे फर्स्ट एवर टाउन हॉल 17 वॉर के अंदर। बेस तो हमारा मैक्स हो ही रहा है, लेकिन भाई साहब वॉर के अंदर मैं देखता हूँ, ये वाली वॉर जो है ना, जब स्टार्ट हुई थी तब टाउन हॉल 16 एंड टाउन हॉल था, लेकिन अभी जब खत्म होने को आई है तो सामने अचानक से टाउन हॉल 17 आ गए। बंदों ने प्रिपरेशन डे में ही टाउन हॉल 17 कर दिया और ऊपर से हम लोगों ने भी कर रखा है टाउन हॉल 17। और ये देखो लेवल दो हीरोज कुछ कुछ मैक्स हो चुके हैं, पर अगर आप लोग नंबर एक पे हमारा जो बेस है वो देखोगे तो ये है हमारा टाउन हॉल 16 का बेस वॉर के अंदर। लेकिन हम लोग अभी अटैक करेंगे टाउन हॉल 17 की आर्मी के साथ। दोस्तों हम लोग सबसे पहले अटैक करने वाले हैं नंबर 5 के ऊपर, जिसके लिए हम लोगों ने आर्मी बनाई है यहाँ पे 4 ट्रूप्स एक आंख वाले, उसी के साथ 5 हिलर्स लिए हैं, कुछ सुपर बारबेरियंस है, फायरबॉल इस्तेमाल करेंगे, किंग क्वीन और रॉयल चैंपियन। नया वाला हीरो अभी के लिए तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इस बेस के ऊपर। तो चलते हैं दोस्तों नंबर 5 के ऊपर, प्लान क्या है बताता हूँ, काफी सिंपल प्लान हमारा होने वाला है इस बेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ पता है, स्टार्टिंग में ना बुढ़ा चार्ज करूंगा मैं यहाँ से, बुड्ढे के ऊपर सारे हिलर्स लगा दूंगा, बुड्ढा ये डाउन करेगा और जैसे इसके ऊपर आएगा मैं फायरबॉल गिरा दूंगा, 2 अर्थक्वेक गिरा दूंगा, तो मेरे को ये सब मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपनी जो क्वीन है, क्वीन यहाँ से ऐसी बाहर की साइड पे जाएगी, एक आधा स्केलेटन स्पेल यहाँ पे लगा लेंगे जिससे कि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, बुड्ढे को यहाँ से ऐसे बुलाएंगे, यहाँ पे वॉल ब्रेकर वगैरह देंगे, यहाँ से अंदर अपना आइस गोलम, बुड्ढा मतलब बुड्ढा तो आएगा ना मेन आर्मी के साथ, आइस गोलम, बुड्ढा, इलेक्ट्रो टाइटन, 4 एक आंख वाले ट्रूप्स, ये सब लोग अंदर जाएंगे और बारबेरियन किंग जैसे ही यहाँ पे आएगा ना मैं किंगवा का एबिलिटी दबा दूंगा, ये पूरा कोर ओपन हो जाएगा। तो पूरे कोर के अंदर भाई अपनी हिलर्स एक आंख वाले ट्रूप्स काम करेंगे, क्वीन बाहर ही बाहर चलती रहेगी भाई साहब, और जो फ्लेम फ्लिंगर है वो फ्लेम फ्लिंगर मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर दूंगा जिससे कि ये अपने को फ्लेम फ्लिंगर के साथ मिल जाएगा। और रही बात रॉयल चैंपियन की, तो रॉयल चैंपियन लास्ट में यहाँ से या फिर यहाँ से जहां से भी जरूरत होगी वहां से रॉयल चैंपियन को हम लोग डिप्लॉय कर देंगे। ये सिंपल प्लान हमारा होने वाला है, लेट्स गो। तो आते हैं नंबर 5 के ऊपर, 1 2 3 चले फिर अटैक के लिए। अटैक पे जाने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 60 आइटम्स का गिव अवे, जिसमें से भाई 20 गोल्ड पास का गिव अवे ऑलरेडी हो चुका है पिछले 2 वीडियोस के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं 10 पायरेट सीनरी का गिव अवे। गिव अवे जीतने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, मुझे बस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और गेम के अंदर शॉप में जाके कोड सुमित007 इस्तेमाल करना है। आपकी इंस्टाग्राम आईडी और आपकी क्लैश ऑफ क्लैंस की आईडी इसी वीडियो के नीचे कमेंट करनी है, बस इतना ही करना है और आप लोग जीत सकते हो 10 पायरेट सीनरी। चले भाई अटैक के लिए, 1 2 3 लेट्स गो। देखते भाई होता क्या है यहाँ पे, होपफुली कुछ गलती वलती ना हो यार। बुड्ढे को डाल देता हूँ, सारी हिलर्स लगा देता हूँ यहाँ पे, स्टार्टिंग में ये डाल देता हूँ। अब देखो भाई अपने को ध्यान ना ऊपर और नीचे हर जगह पे रखनी है ध्यान, ठीक है। चलो 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 बुड्ढे, कम ऑन बुड्ढे, लेट्स गो। अब बुड्ढे पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मुझे। चल 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 चल, बुड्ढे राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा, अरे भाई साहब कोई मसला नहीं है, ये यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे डाल देता हूँ, बढ़िया। चलो चलो चलो, बहुत बहुत सही भाई, बहुत सही। यहाँ पे लगा देता हूँ एक रेज, इनवी ये, और मजा आ गया दोस्तों, ठीक है। इतनी वैल्यू मिल गई, क्वीन को उतारता हूँ, वॉल ब्रेकर यहाँ पे, सुपर बारबेरियंस लगाता हूँ, आइस गोलम, ये मजा आ गया दोस्तों। अबे यार स्केलेटन स्पेल लेना भूल गया, 2 पॉइजन लेके आ गया गलती से, हद हो गई यार। अबे टाउन हॉल बचा है भाई, टाउन हॉल को तो भूल ही गया भाई, किंगवा का एबिलिटी भाई, गलती से स्केलेटन की जगह पे मैं ये क्या लेके आ गया दोस्तों, मसला हो गया जी। यहाँ पे रेज, 2 हेड हंटर्स, भाई टाउन हॉल बच चुका है दोस्तों, अभी एक ही काम कर सकते हैं, ये दूंगा रॉयल चैंपियन की एबिलिटी दूंगा, फट जा भाई, मजा आ गया। अब रॉयल चैंपियन, अरे बॉम्बे भाई यहाँ पे क्या कर रही है रॉयल चैंपियन, अरे बॉम्बे भाई पॉइजन, अरे भाई साहब एक और रेज लगा दूंगा, ओके क्वीन की एबिलिटी लगानी पड़ेगी, बढ़िया। यहाँ पे सुपर बारबेरियंस, यहाँ पे एक फ्रीज लगाता हूँ, ओके सुपर बारबेरियन, 2 हेड हंटर, वॉल ब्रेकर, और दोस्तों बेस खत्म तो हो चुका है भाई, मजा आ गया भाई साहब। अरे ये अभी भी जिंदा है, कितने जिंदा है भाई, एक आंख वाले भाला थ्रोवर 2 ही जिंदा है,
ये हो चुका है दोस्तों हमारा 3 स्टार, और फ्लिंगर फटा नहीं है यार, फटते फटते रह गया भाई साहब, मजा आ गया, कोई मसला नहीं है दोस्तों। ये हो चुका है हमारा 3 स्टार अटैक, इसी के साथ स्कोर हो चुका है 149 स्टार्स। वापिस हम लोगों ने दोस्तों आर्मी रेडी कर ली है, वापिस अभी हम लोग अटैक करने वाले हैं इस नंबर 6 के बेस के ऊपर। अब देखो भाई ये वाला बेस भी अच्छा है, लेकिन प्लान ना सुनो भाई साहब, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो इस बेस के ऊपर भी अपन लोग देखो एक आंख वाला ट्रूप इस्तेमाल करने वाले हैं, बुड्ढे को यहां से डालेंगे और बुड्ढे के ऊपर एंग्री जेली इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि भाई बुड्ढा सिर्फ और सिर्फ यहाँ के डिफेंसेस को टारगेट करेगा, लगी जरूरत तो बुड्ढे के ऊपर यहाँ पे रेज वेज लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पे ना अपने को इनविजिबिलिटी स्पेल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो बुड्ढा क्या करेगा ना डायरेक्ट फायरबॉल, अरे यार पर यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो सकता है इसकी वजह से। तो अपन लोग क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों विजिट टावर टेक डाउन करेंगे अपने सुपर बारबीनिंग के साथ, फिर यहाँ पे एक इनवी, यहाँ पे एक इनवी, फिर फायरबॉल जाएगा डायरेक्ट इसके ऊपर, फिर डाल देंगे अपन लोग 2 अर्थक्वेक स्पेल, हो सकता है कि पूरा कोरी अपने को मिल जाए। उसके बाद किसी एक साइड पे लेके जाएंगे अपन लोग अपने बुड्ढे को और अपनी मेन आर्मी को, और क्वीन को बाहर ही चलाएंगे अपन लोग, ये हमारा प्लान होने वाला है। तो चलते भाई नंबर 6 के ऊपर, आखिरी अटैक ये होने वाला है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, लेट्स गो, देखते भाई बुड्ढा क्या कर सकता है। अरे यार फ्लिंगर का तो भाई मैंने देखा ही नहीं, फ्लिंगर के साथ मेरे को कौन सी वैल्यू निकालनी है करके मसला हो गया जी, फ्लिंगर के साथ मसला तो हो चुका है दोस्तों। फ्लिंगर 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 एक काम करता हूँ, फ्लिंगर को ऊपर ही डाल देता हूँ, क्या बोलते हो, यहाँ पे फ्लिंगर लगाता हूँ, और पूरा फोकस दोस्तों बुड्ढे पे रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोनोलिथ है और 2-2 एक्सपोज है। चलो 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 चलो, ये अभी से डाउन कर लेता हूँ इन दोनों को, क्या बोलते हो, है ना। अबे यार एक रेज लगा देता हूँ भाई बुड्ढे पे, अबे भाई, अरे भाई 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 ये डाउन क्यों नहीं हो रहा यार, अरे हो जा भाई डाउन हो जा यार, अरे डाउन हो गया एक तो, डाउन हो गया भाई, अरे यार गाइज ये वाला बच गया ऊपर वाला भाई मेरे सारे सुपर बारबेरियन बर्बाद हो गए यार, लालच 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 हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स गो बुड्ढे बुड्ढे बुड्ढे, चल 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 बुड्ढे, कम ऑन भाई, मेरी पूरी आर्मी ही खत्म होने वाली है भाई, मैंने गलत कर दिया भाई, जल्दबाजी कर दी, मसला हो गया दोस्तों। अब मुश्किल पड़ेगा तुम्हारे भाई को ये वाला अटैक, वक्त भी जा रहा है, फायरबॉल इतना जल्दी तो मैं डिप्लॉय कर ही नहीं सकता यार, रुकना ही पड़ेगा, बहुत सारे स्पेल्स मेरे बर्बाद होने वाले हैं। ओके देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन लोग, एक रेज लगा ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है बढ़िया बढ़िया। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ओके कुछ बोल नहीं सकते यार, ये कहीं पे भी जा सकता है ना, ठीक है ठीक है, चल 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 चल, ठीक है कोई मसला नहीं है, बुड्ढा अकेला चला जाएगा वहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से चालू कर देता हूँ, बुड्ढे को कर रहा हूँ भाई फुल इग्नोर, समझ रहे हो, एक वॉल ब्रेकर एक और वॉल ब्रेकर, ठीक है बुड्ढा अपना करता रहेगा। भाई क्या था ये क्या था भाई, रॉयल चैंपियन तुम्हारे ही हवाले है भाई, लेट्स गो किंगवा, बढ़िया 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 बढ़िया। यहाँ पे एक रेज लगाता हूँ, एक फ्रीज लगाता हूँ, हेड हंटर्स लगाता हूँ, क्वीनवा का एबिलिटी पॉइजन लगाता हूँ, भाई साहब भाई साहब भाई साहब क्या हो गया भाई, भयंकर लेवल की चीज। अरे यार इसको मारो भाई, इसको मारो यार, भाई साहब अबे इसको जल्दी मारने आ जाओ यार, भाई फेल नहीं होना चाहिए भाई, भाई क्या मरा है मेरा बुड्ढा भाई, हो गया ना रॉयल चैंपियन, कम ऑन भग के आ जाइयो बहन, आ जा, बीच में स्केलेटन मत निकलना प्लीज, फुटबॉल वाली रॉयल चैंपियन है भाई मेरी, चलो 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 चलो, हे भगवान हो गया भाई ट्रिपल हो गया, मजा आ गया दोस्तों। अगर ये वाली स्ट्रेटजी आप लोगों को पसंद आई है तो स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन दोस्तों, और इसी के साथ हमारी जो वॉर विन स्ट्रीक है ये हो जाती है 175
74 है अभी फिलहाल, तो इसके बाद हो जाएंगी 75। और ओपोनेंट क्लैन को देख के कुछ बोल नहीं सकते भाई, हो सकता है कि 74 पे ही रुक जाए हमारी वॉरविन स्ट्रिक, या फिर 75 हो जाए। ऑलरेडी उन लोगों ने हमारा बेस फोड़ दिया है, और जो मुझे पैसा मिला है उस पैसे के साथ भाई मैं चीजें करूंगा अपग्रेड। अब क्या करूंगा, सजेशन में क्या है, एलिक्सर स्टोरेज, गोल्ड स्टोर। अरे भाई साहब, कल की वीडियो में क्या मैंने ये सारा बिना अपग्रेड किए रून्स इस्तेमाल कर लिए? ओ माई गॉड, गलत सीन हो गया भाई, 10-10 लाख का नुकसान हो गया यहाँ पे तो मेरा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब दूसरी चीज क्या अपग्रेड कर सकता हूँ भाई, कोई डिफेंस इसको करूँ क्या? थोड़ा सा गोल्ड कम पड़ रहा है, ठीक है गोल्ड ना यहाँ से थोड़ा सा कलेक्ट कर डालता हूँ, अब डालता हूँ भाई इसको। चलो भाई मजा आ गया, एलिक्सर भी है अभी भी ढेर सारा। एलिक्सर के साथ क्या डालूँ, एलिक्सर के साथ बुढ़े को डाल देता हूँ। मेरा बुढ़ा किधर है भाई, बुढ़े को और कितना चाहिए भाई? ओके ओके ओके, बुढ़े को थोड़ा सा डाल देता हूँ, होने दो भाई बुढ़ा होने दो, लेट्स गो। बुढ़े को डाल दिया भाई, 922 जेम्स बोल रहा है। अब बुढ़े की जगह मेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा कौन सा हीरो, ये वाला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बुड्ढे को अपन ने लगा दिया है अपग्रेडिंग के ऊपर। तो मेरे भाई आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, गिव अवे के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करना, और अगर आप लोगों ने पिछले दो गिव अवेज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, जहां पे पिछले दो वीडियोस के अंदर गोल्ड पास 10-10 गोल्ड पास मतलब 20 गोल्ड पास का गिव अवे हो रहा है, नहीं करा है तो भाई अभी भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये रही वो पिछली दो वीडियोस जिनके कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग सेम चीज कर सकते हो जो आज की वीडियो पे आप लोगों ने किया है, जिससे कि भाई आप लोगों का चांस ट्रिपल हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।